आप वीडियो के लास्ट में आप देखेंगे हमारे जो भी डॉग के कलेक्शन, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि मैं आपको डॉग के सारे कलेक्शन को दिखा सकूं। अभी आप चलेंगे आपको कस्टमर से बात कराएंगे उसके बारे में जानते हैं, उसके बाद अभी आपको जो डॉग दिख रहा है उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे डॉग के कलेक्शन, वो सारा आपको वीडियो के लास्ट में देखेंगे। और डॉग के मुकाबले काफी कम होता है, मेन उसका आपका बॉडी के जो हेयर है वो, और एक उसमें खास बात है दोस्तों, मैं अक्षय आर्यन पर सकते हैं। तो आज हम जो डॉग डील करने वाले हैं या जो हमारे पास कस्टमर आया है, तो उनके बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आज जो डॉग ब्रीड है वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में आता है और पूरे दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस डॉग ब्रीड है और बहुत ज्यादा लोग इसको फैमिलियर डॉग है और ये फैमिली वाले बहुत अच्छी तरीके से इसको रखना जानते हैं और ये भी फैमिली के साथ बहुत अच्छी तरीके से रहना जानते हैं। तो मैं पता नहीं किस डॉग की बात कर रहा हूँ, आप लोग को अगर पता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इसके बहुत सारे कलर वेरिएंट आते हैं, ब्लैक, व्हाइट और अपना चॉकलेट, ये तीन कलर वेरिएंट आता है इसमें जो जनरली मिलता है। उसके अलावा भी दो तीन कलर है जो कि अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो बहुत कम मिलता है। हमारे जो कस्टमर है उनसे, और उससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा आपको हमारे जो लैब्राडोर है उसको, जो कि ये है हमारा ये लैब्राडोर का पपी। ये देखिए, ये लैब्राडोर की फीमेल पपी है, एक पहचान है। अगर लैब्राडोर के बारे में अगर आप लैब्राडोर लेने जा रहे हैं अगर कोई सा भी, तो आप लैब्राडोर की पहले पहचान जो होती है वो जरूर से चेक कर लें। देखिए इसके पॉज का साइज, ये थोड़ा चौड़ा चौड़ा होता है नॉर्मल डॉग के मुकाबले। इसके जो कान जो होते हैं वो बिल्कुल गाल से सटे हुए होने चाहिए, ये नहीं कि ऐसा फ्लाई करके आ रहा है, ऐसा रोटेट हो रहा है, तो ये गलत बात है। तो फिर आपको वो लैब्राडोर प्योर नहीं है। इसके हेड और मजल्स को देखा जा सकता है, आप देखिए इसके मजल्स को जो बिल्कुल अपर लिप्स लोअर को कवर कर रहा है। तो ये है लैब्राडोर की मेन पहचान, और इसके आपको हेड के साइज को देख सकते हैं बिल्कुल से, और आप जब पूरे फ्रंट से इसको सामने से देखेंगे तो बिल्कुल ये आपको ये एप्पल शेप में नजर आने वाला है। तो ये है लैब्राडोर की पहचान। इसमें कलर की बात मैं कर लूं तो कलर इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, ये ब्लैक कलर का है, अपने पास व्हाइट कलर के भी है, चॉकलेट कलर के भी है, तो ये सारे कलर इसमें आते हैं। अगर कलर की बात करें तो इसके कलर में प्योरिटी बिल्कुल यही कहा जा सकता है कि सेम कलर होना चाहिए। अगर ब्लैक कलर का आप लैब्राडोर ले रहे हैं तो फुली ब्लैक होना चाहिए, ये नहीं कि आपके कहीं पे इसके व्हाइट हो, कहीं पे व्हाइट कलर का पैच हो या किसी और कलर का पैच हो, तो वो आपका डॉग प्योर नहीं। और बहुत सारे रीजन ऐसा है जिससे क्रॉस ब्रीडिंग हो जाती है, तो वैसे बच्चे क्रॉस ब्रीडिंग में आ जाते हैं तो वो गलत है। तो चलिए, आपको मैंने लैब्राडोर की प्योरिटी के बारे में बताया, उसके खान पान के बारे में मैंने बता दिया, और कुछ अगर सवाल आपके रह गए हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। कमेंट सेक्शन हमेशा खुला रहता है, स्क्रीन पे आपको नंबर शो कर रहा हूँ, किसी भी तरह जानकारी डिटेल के लिए आप वहां से कॉल कर सकते हैं। और जो भी हमारे चैनल पर नए आए वो सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की ढेर सारे वीडियो आपको मिलते रहे डॉग से रिलेटेड। नमस्कार भैया, कहाँ से है भैया आप? हम बक्सर का। बक्सर में कहाँ से? खलासी मोहल्ला। खलासी मोहल्ला, नाम क्या हुआ भैया आपका? रोहित पासवान। रोहित पासवान। और तुम्हारा बाबू? प्रिंस कुमार। तुम्हारा? तो ये आप बोलो, आपके बच्चे हैं दोनों, तो बच्चों के जीत पे जा रहा है डॉग, है ना भैया? क्योंकि बच्चों का पसंद था और ये लोग, और इनका थोड़ा बजट का प्रॉब्लम था जो कि काफी बजट लो था इनका, जिस रेंज में लैब्राडोर का प्राइस जो है 7-8 हज़ार से स्टार्ट हो जाता है, जो कि आप लाखों तक कर जाता है इसका रेंज। और इसकी एज की बात करें तो इसका 7 से 11 साल इसका एज होता है, जो कि इसका मिनिमम एज है। पहले एज 9 से 14 साल था, अभी थोड़ा घट गया तो 7 से 12 साल तक लोग जिंदा रहते हैं। हाँ, 7 से 12 साल अगर आप बढ़िया खान पान देते हैं तो लंबा समय तक चलेगा। अगर कुछ कम मिल जाता है इसको लाइफ में तो थोड़ा लाइफ भी कम हो जाता है। नहलाने धुलाने का ना भैया, अभी ले जाइए तो आराम से नहला सकते हैं, मौसम बहुत टाइट है, तो 2-3 दिन के बाद आराम से नहला सकते हैं। आपके घर का खाना पानी बढ़िया से सेट हो जाता है,
आपका डॉग बिल्कुल तो ठीक है, ना वोमिटिंग कर रहा है, ना लूज मोशन कर रहा है, ना सर्दी खांसी हो रहा है, कोई तरह की दिक्कत नहीं, तो आप नहीं ला सकते। वैसे स्थिति में नहीं लाना जिस समय आपका डॉग को कुछ परेशानी हो, तो उसमें डॉग को भी दिक्कत नहीं सकती, बस वैसा टाइम में नहीं नहलाएंगे, बाकी आप किसी भी टाइम नहाइए, ठीक है। जब कोई पता नहीं, तो आप सामने में डॉग देख रहे हैं, डॉग खेल रहा है कूद रहा है ना आपके सामने, तो वो चीज़ है। डॉग आप जब लेने जा रहे हैं तो अगर आपको मन में डाउट हो कि डॉग किस टाइप का ले और क्या देख कर लेना चाहिए, तो सबसे पहला चीज़ डॉग आपका एक्टिव होना चाहिए। दूसरी चीज़ वो खाना बिल्कुल उठाना चाहिए, अगर आप उसको खाना देते हैं वो खाना नहीं खाता तो समझिए आपका डॉग बीमार है। डॉग कितना भी खाना खा के रहेगा तो थोड़ा देर के बाद वो खाना दोबारा से ले सकता है। ये नहीं कि मैं ये कहूँगा कि फिर से इतना खाया तो फिर से नहीं खाएगा, थोड़ा सा ही चाहे बट खाने के प्रति वो दौड़ेगा जरूर। तो ये क्वालिटी आपको लैब्राडोर या किसी भी डॉग ब्रीड में अगर आप परचेस करने जा रहे हैं तो ये दो चीज़ें जरूर से देख लें। नाक बिल्कुल चेक कर लें, नाक बिल्कुल गीला होना चाहिए, अगर नोज ड्राई होता है तो वो बीमारी का कारण है। तो इस सब टाइप से आप पहचान सकते हैं कि आप जो डॉग लेने जा रहे हैं वो बिल्कुल प्योर है कि नहीं है, हर तरह से शुद्ध है कि नहीं, ठीक है। तो आपको भी ये डॉग को हम खाना पीना खिला खिला करके दिखा दिया जाएगा, आप देख लेंगे। और कोई अगर सवाल जवाब हो तुम लोग का तो तुम लोग पूछ सकते हो, बाकी नंबर आप लोगों के पास है। लैब्राडोर हमारा हर किस्म के मौसम में आराम से रह जाता है, उसको रहने में कोई दिक्कत नहीं होती, या गर्मी हो या जाना हो, बाहर हो गर्मी हो जाना हो या किसी तरह के मौसम में, उसका जो बाल होता है वो भी उसकी कोटिंग इस टाइप की होती है पानी से जल्दी गीले नहीं होते, तो ये भी उसको मौसम से ठंडे मौसम से बचाता है, ये भी एक रीज़न है। लैब्राडोर आपका बहुत ही शांत स्वभाव का डॉग ब्रीड है, वो आप आराम से किसी भी घर टैंक में आराम से मेंटेन कर सकते हैं। उसका खर्च भी और डॉग के मुकाबले काफ़ी कम होता है, मेन उसका आपका बॉडी के जो हेयर है वो, और एक उसमें खास बात है जो कि अगर कोई दूसरी डॉग आप पालते हैं तो उसमें आपको एक मुसीबत झेलना पड़ सकता है, उसको भाई खान पान में अलग टाइप के ट्रीटमेंट देने हो सकते हैं, बट ये लैब्राडोर कैसा प्राणी है इसको आप घर के डाइट पर भी आराम से रख सकते हैं, इसको घर के खाने पर भी आराम से रखा जा सकता है, बकायदा बस उससे तेल नमक मसाला ये ना दे, तो बाकी सब कुछ इसका नॉर्मल है जो कि आप हर तरह के घर में आराम से मेंटेन किया जा सकता है। किसी भी फैमिली को तुरंत से अडॉप्ट कर लेता है, फैमिली क्या कह लें, अजनबियों को भी आराम से अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसमें ये क्वालिटीज है, इसके कारण ये दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलर डॉग ब्रीड में इसका नाम आता है और सबका पसंदीदा डॉग ब्रीड। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये ऐसी जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सकें, लैब्राडोर की प्योरिटी के बारे में, उसके खान पान के बारे में और बाकी सारे डिटेल। चलिए इसी के साथ अलविदा। Trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. ये रॉटवाइलर तो आप देख ही चुके हैं, ये है अपना रॉटवाइलर का फीमेल जो कि आज हमारे कस्टमर के साथ जा रहा है। इसमें भी आप हमारे पास दो मेल अभी अवेलेबल है, तो आप उसके लिए भी संपर्क करें। हमारे पास गोल्डन रिट्रीवर का मेल, डार्क कलर गोल्डन रिट्रीवर मेल, फुल लॉन्ग कोट पे है बच्चा, और बच्चे का बोन का क्वालिटी आप देख सकते हैं। अभी आप जो देख रहे हैं ये आपका सिंगल कोट का स्मूथ कोट का जबर शेपर्ड का मेल है, और आप इसका लेंथ देख सकते हैं मेल है, ये है मीडियम कोट की फीमेल, इसकी क्वालिटी भी आप देख सकते हैं। दोनों हमारे जबर शेपर्ड का सबसे तगड़ा ब्रीड, ये है जबर शेपर्ड का लॉन्ग कोट का पपी, और आप इसके फर को देख सकते हैं बिल्कुल मेरा फिंगर गायब होने वाला है। आपके स्क्रीन पर ये गोल्डन रिट्रीवर जो कि पूरा लाइट शेड में है, इसकी क्वालिटी देख सकते हैं बिल्कुल बॉम क्वालिटी। तो ये है हमारा रिट्रीवर का फीमेल, और ये फीमेल पप्पी आपको बहुत ही कम रेट में हमारे पास अवेलेबल है, और इसका वेट की मैं बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेट 4 kg के आसपास होगा, और इसका हेड भी आप देख सकते हैं, हेड और हेयर बिल्कुल गहरे लाइक नहीं है, ये देखिए इसके फर की, तो ये है इसके फर की क्वालिटी, और बाकी क्वालिटी आप देख रहे हैं। अगर ज़्यादा डिटेल के लिए आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे पिक्चर वगैरह भी मंगवा सकते हैं, बाकी वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को पिक्चर देखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्ट आप वीडियो से पसंद कर लें आप बच्चों को। तो ये है हमारा गोल्डन रिट्रीवर।
ये हमारे पास तीसरा जर्मन शेपर्ड का फीमेल, ये भी फीमेल है और ये फुल जेड ब्लैक कलर।